Kolkata, where junior doctors of the Arjakar Medical College and Hospital have continued with their protest despite the Supreme Court's 5 p.m. ultimatum. As per the Supreme Court's order, the doctors were asked to return to duty by 5 p.m. yesterday. However, they marched to Swasthya Bhavan with a list of their demands. The doctors were protesting till late night, demanding the justice for the rape and the murder of the victim and stricter laws for the safety of the healthcare providers. That is prevalent in the state. Now, Rainik, as doctors continue their stir despite the apex court directive, how exactly the state police and the administration is responding to these protests that are breaking out at several locations in Kolkata? देखिए कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट है उनके तरफ से कल जो रैली किया गया था उस रैली शास्त्र भवन तक जाने वाला था। शास्त्र भवन में जाके शास्त्र भवन का जो चीफ सेक्रेटरी है उनके साथ मुलाकात करने का बात था और उनका रेजिग्नेशन का डिमांड डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा था। इसको लेकर ही ये जो रैली कल किया गया था, मगर शास्त्र भवन के पहले ही ये रैली को रोका गया था। उसके बावजूद जो डेलीगेशन टीम को भी शास्त्र भवन के अंदर में जाने के लिए नहीं दिया गया था, डेपुटेशन देने के लिए भी नहीं दिया गया था। और उसके बाद से ही लगातार जो डॉक्टर है डॉक्टर की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। रास्ते में बैठ के शास्त्र भवन के सामने वाला जो रास्ता वो रास्ते में बैठ के डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट जारी है और रात भर ये प्रोटेस्ट चला है। और जब तक उन लोगों का कहना है, जब तक उन लोगों का जो डिमांड है, जो 5 डिमांड है वो डिमांड जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक उन लोगों का ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, वो लोग रास्ते से उठेगा नहीं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर कल नवर्ण की तरफ से उनके पास एक मेल आया था। जैसे कि नवर्ण के संसद की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके पास एक मेल आया था, मगर उसका रेस्पॉन्स भी डॉक्टर की तरफ से नहीं दिया गया था। अभी डॉक्टर्स का कहना है जब तक उन लोगों का जो 5 डिमांड है वो 5 डिमांड कंप्लीट नहीं होगा तब तक उन लोगों का ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.